नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, हम आज देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिक्स सेमेस्टर सीएनडी सेक्शन के लिए। उसी में हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट के तहत हमने जो यूनिट नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस शुरू किया था, उसका प्रॉब्लम नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 पिछले लेक्चर में हमने देखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया आप प्लीज उसे देख लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉब्लम नंबर 2 शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में सेल्स जो जानकारी हमें दी हुई है, इन जनवरी 2018 द पोजिशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड वॉज एज फॉलोज। जेड कंपनी लिमिटेड की पोजिशन हमें दी हुई है, उसमें जो पर्टिकुलर्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, इसमें सेल्स 1,20,000, देन नेक्स्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 96,000, तो हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 24,000। और अगर हम इसका जो क्रॉस चेक अगर कर लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाती है 1,20,000। तो इस तरह से इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट लेस होने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 16,000, तो हमें प्रॉफिट मिला है 8,000, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000। तो इस आधार से हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करना है, पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, देन है थर्ड एंड नेक्स्ट नेट प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ रूपीज 1,80,000। हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किस लिए, अगर हमारा सेल्स 1,80,000 होता है तो हमें नेट प्रॉफिट कितना होगा, अगर 1,80,000 का सेल्स होता है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा रिक्वायर्ड सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट, फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रूपीज 16,000। अगर हमें नेट प्रॉफिट 16,000 अर्न करना है, 16,000 हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा, तो उसका भी कैलकुलेशन हमें करना है। अभी आप बोलेंगे कि मैम, आपने तो हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतने ही फॉर्मूलाज दिए हैं और हमें इतना ही पता है, तो चलिए ये जो दो फॉर्मूले हैं ये मैं अभी आज आपको समझा के दूंगी। फर्स्ट इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा नेट प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ रूपीज 1,80,000। मतलब अब अगर हमें डिजायर, अगर हमें सेल्स दिया हुआ है, ओके, तो हमें डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या रहेगा। अगर 1,80,000 का सेल्स अगर हम करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, उसके उसका कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ रूपीज 1,80,000 इज इक्वल टू, ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ओके, ये जो है एस सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर। तो यहां से हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, सेल्स हमारे पास है, पीवी रेशियो भी आ जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी हुई है। इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो हमारा डिजायर नेट प्रॉफिट है वो मिल जाएगा कि अगर हम 1,80,000 रुपीज का सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। ओके, यहाँ पे अभी 1,80,000 है इसलिए मैं यहाँ पे 1,80,000 बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सेल्स कितना भी दिया रह सकता है, इतना सेल्स अगर होता है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, इसी का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है, क्लियर। देन नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रूपीज 16,000। अगर अभी यहाँ पे पहले आपको क्या दिया था कि आपको इतना सेल्स किया हुआ है या आपका इतना सेल्स होगा तो प्रॉफिट कितना रहेगा, अभी यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा इतना चाहिए तो सेल्स कितना करना पड़ेगा। ओके, तो इसका भी कैलकुलेशन, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, इसे कहेंगे हम रिक्वायर्ड सेल्स और डिजायर, जो रिक्वायर्ड सेल्स है कि
इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब यहाँ पे 16,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा रिक्वायर्ड सेल्स के लिए या डिजायर सेल्स के लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा, सेल्स इज इक्वल टू। अभी देखिए आपको बीईपी का फॉर्मूला पता है, बराबर है। क्या है बीईपी का फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो सेम एज इट इज जैसे बीईपी का फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला रखना है, सिर्फ उसमें प्रॉफिट हमें ऐड करना है। ओके, जितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है उतना प्रॉफिट अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड सेल्स है वो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ओके, क्या मिलेगा फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का ही है, बीईपी का ही है, क्योंकि बीईपी नॉट बट द सेल्स। ओके, बीईपी क्या है? एक सेल्स ही है। सेल्स का ऐसा पॉइंट या सेल्स की ऐसी वैल्यू जहां पे, जिस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और उसी के साथ साथ कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो कंपनी की टोटल कॉस्ट कंपनी के टोटल रिवेन्यू के इक्वल होगी, यही ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक सेल्स ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिजायर सेल्स का हमें कैलकुलेशन करना है तो डिजायर सेल्स में हमें क्या करना है? बीईपी का फॉर्मूला एज इट इज रखना है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट में हमें प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तो इस तरह से नेट प्रॉफिट और रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास है। इसी के बेस पे हमें ये जो कैलकुलेशन नंबर 3 और 4 करना है। क्लियर? तो चलिए प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से ही शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी आपको पता चल गया है, पीवी रेशियो मैं लिखूंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, क्या फॉर्मूला है पीवी रेशियो का? अभी सिंपल फॉर्मूला लेंगे। पहला फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसमें क्या लेंगे हम? डायरेक्टली हमारे पास कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन 24,000 एज प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है। 24,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 1,20,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अगर हम इसका कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे पीवी रेशियो हमें मिलेगा 20%। ओके, आपको कैलकुलेशन करना है क्रॉस चेक करने के लिए पीवी रेशियो 20%। ओके, तो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सेकंड कैलकुलेशन ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, अब बीईपी का भी फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, बीईपी का फॉर्मूला हमने क्या लिया था? फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स। ओके, डिवाइडेड बाय हमने क्या लिया था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड ऐसे। तो यहाँ पे जो इजी वाला फॉर्मूला हमने देखा था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16,000। तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट लेंगे 16,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना आया है? 20%। तो यहाँ पे पीवी रेशियो 20%, परसेंट लिखना भूलना नहीं है।
या फिर अगर आप परसेंट यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 16,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे बीईपी आएगा हमारा, बीईपी इन रुपीस कितना आएगा, रुपीस 80,000। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया है, रुपीस 80,000। क्लियर। देन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें बताया नहीं है फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है, एमएस, क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स माइनस बीपी। ओके, सेल्स कितना है 1,20,000, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 80,000, तो यहाँ पे 1,20,000 माइनस 80,000, ओके कितना आएगा 1,40,000, 1,40,000 एमएस, 1,40,000। ओके, तो इस तरह से अब ये हुए हमारे दो, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था प्रॉब्लम में, उसके दो पार्ट हमारे हो गए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखते हैं हम नेट प्रॉफिट फॉर दिस सेल्स ऑफ रुपीज 1,80,000। 1,80,000 हम सेल्स करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें नंबर 3 नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ, फॉर द सेल्स ऑफ रुपीज 1,80,000। ओके, 1,80,000 सेल्स अगर करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सेल्स कितना है हमारे पास, सेल्स 1,20,000, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, सेल्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो कितना आया है 20%, तो यहाँ पे पीवी रेशो 20%। ओके, 20% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 16,000, तो यहाँ पे 16,000 पुट करेंगे। फर्स्ट इसका कैलकुलेशन जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो आएगी हमारी 36,000। ओके, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 16,000। ओके, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 36,000 माइनस 16,000, तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ आएगा 20,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और रिक्वायर्ड प्रॉफिट और डिजायर प्रॉफिट भी इसे हम बोल सकते हैं। ओके, कितना आएगा 20,000। तो यहाँ पे अगर हम 1,80,000 का सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 20,000। क्लियर। देन नंबर 4, कैलकुलेशन नंबर 4 क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 नेट प्रॉफिट के लिए हमें सेल्स कितना रिक्वायर्ड है, सेल्स हमें कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना सेल्स करना पड़ेगा इसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे हम, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पहले भी पी का फॉर्मूला लिख लेंगे तो भी इजी जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट एड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अभी ली हमने यहाँ पे 16,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000, यहाँ पे
16,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 20%, ओके, या फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 100 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16,000 प्लस 16,000 32,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो यहाँ पे 32,000 डिवाइडेड बाय 20% करते हैं तो यहाँ पे 1,60,000। यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स की अमाउंट कितनी आती है 1,60,000। यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स 1,60,000। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सेल्स 1,60,000 फॉर द रिक्वायर्ड सेल्स 1,60,000 फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000। ओके, 16,000 नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको सेल्स कितना रिक्वायर्ड है 1,60,000। क्लियर? तो इस तरह से ये जो आज के इस प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने दो ज्यादा के कैलकुलेशन किए हैं, एक तो डिजायर नेट प्रॉफिट और अगर हमें सेल्स दिया हुआ है तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, और नेक्स्ट कैलकुलेशन किया हुआ है, नेक्स्ट कैलकुलेशन किया है हमने कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है, इतना नेट प्रॉफिट हमें और अर्न करना है तो हमें सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो दो कैलकुलेशन है हमने यहाँ पे किए हैं। तो ये भी ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द डिजायर सेल्स और डिजायर सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट ये जो है ये भी हमारे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो कि मैनेजमेंट को वेरियस टाइप्स ऑफ उनके जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो आइडियाज रहेंगे उसके लिए या उनके जो डिसीजन रहेंगे वो डिसीजन लेने के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि अगर एक आध प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रही है या कंपनी कर रही है तो उसमें कंपनी को पता रहना चाहिए कि कंपनी को अगर इतना सेल्स होता है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा। ये एजम्पशन है, क्लियर? मतलब इतना ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एजम्पशन है कि कंपनी अगर इतना प्रॉफिट इतना सेल्स करती है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा। ओके, और कंपनी को इतना प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी को कितना सेल्स करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कंपनी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करेगी। अगर कंपनी को इतने प्रॉफिट चाहिए, 16,000 प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, तो 1,60,000 का सेल्स करना पड़ेगा। अब 1,60,000 रुपीज का सेल्स करना है तो उसके लिए यूनिट्स कितने सोल्ड करने पड़ेंगे। ओके, और जितने यूनिट्स सोल्ड करने हैं उतने यूनिट्स का कंपनी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस में कंपनी के मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है डिसीजन लेने हैं उसमें हर एक डिसीजन में कंपनी को जो ब्रेक इवेंट पॉइंट एनालिसिस है वो ब्रेक इवेंट पॉइंट एनालिसिस जरूरी होता है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से आज हमने कैलकुलेशन किया है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवेंट पॉइंट, नेट प्रॉफिट फॉर द डिजायर प्रॉफिट और रिक्वायर्ड सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगले लेक्चर में और एक नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।